सीएसएस के अंदर जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है वो 100 मार्क का होता है, और उसमें जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है वो होता है 60 मार्क्स का, और बाकी उसके अलावा जो 40 मार्क्स 40 मार्क्स बचते हैं वो मैथ पोर्शन के होते हैं। नीचे अगर हम जाएं तो से पार्ट टू 40 मार्क्स, जिसमें मैथ पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड सम मेंटल एबिलिटी का पोर्शन होता है इसके अंदर। तो अगर हम फिजिकल जनरल साइंसेस की बात करें तो जनरल साइंसेस के अंदर आ जाता है फिजिकल साइंसेस, जिसमें हम इनऑर्गेनिक जितना भी होता है ना उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ सिस्टम, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये हो गया फिजिकल साइंसेस के बारे में ओवरऑल। उसके अलावा हम इसमें डिस्कस करते हैं जनरल साइंस में बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें सेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स, एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, हार्ट किस तरह काम करता है, लंग्स किस तरह काम करते हैं, और जो कॉमन डिजीजेज हैं हमारे सराउंडिंग में जो हमें दिखते हैं कि वो हेपेटाइटिस, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, ये सारे, डेंगी वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्वायरमेंटल साइंसेस में आजकल के जो मेजर इश्यूज होते हैं, पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में उसके क्या इफेक्ट्स काजेज होते हैं, किस तरह से पोल्यूशन काज होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर पोल्यूशन हो गई, एयर पोल्यूशन हो गई, लैंड पोल्यूशन हो गई, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। जी, अरबील, ये सीएसएस की फर्स्ट ही क्लास है जीएसए की। उसके बाद इसमें फूड साइंसेस का पोर्शन कुछ शामिल है, और उसके अलावा आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर का कुछ पोर्शन आ जाता है, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे फर्दर अपनी आने वाली क्लासेस में। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारा दोबारा से मैंने इसके बारे में डिस्कस किया पहले, जो कि मैथ पोर्शन होता है, ये 40 मार्क्स का होता है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस आउटलाइन के बारे में आपने थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया। फर्दर हम आगे चलते हैं इसके जो जो हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है, यहाँ तक अगर सिलेबस आउटलाइन के हवाले से या इसके सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कोई भी अगर आपका किसी लिहाज से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैसेज चैट में आप मैसेज छोड़ सकता, मैं रीड करके आपको जवाब दे दूंगा। ऑन दी अदर हैंड हम चलते हैं अपने बाकायदा एक लेक्चर की तरफ। हाँ जी, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो चले जी आगे शुरू करते हैं।
नहीं, आईटी जो है ना वो कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस में आ जाता है। जो एबिलिटी का पोर्शन है उसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ का कुछ पोर्शन आता है, जिसमें हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जैसे मैंने वहाँ पे सिलेबस आउटलाइन में आपको बताया था। दोबारा से मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक टूल्स हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं। अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गई, एवरेज रेशियो रेट परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जो हमने आज कंटिन्यू करना है। आज हमने जो है ना शुरू करना है फिजिकल साइंसेस का पोर्शन, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्स को, गैलेक्सी, लाइट, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ और एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करते हैं हम। क्लियर हो गई बात? तो बाकायदा हम जो है ना अपने एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड लाइट ईयर को इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ जी, वलयुल्लाह ने हैंड रेस किया है। सर, हम नोट्स बुक से पढ़कर तैयार करें या फिर समझकर अपनी वर्डिंग में, जैसे आपको मुनासिब लगता है। इसका जो डाटा है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो बुक है वो भी मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो मैं दोबारा से भी शेयर कर दूंगा। मैं जो है नोट्स वो खुद अरेंज कर रहा हूँ, डाटा खुद जो है ना कंपाइल कर रहा हूँ। वो जो डाटा है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके साथ आप उस बुक, अपनी जो बुक है उसको और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा उनको आप कंपाइल करके अपने एक बाकायदा अच्छे से नोट्स खुद भी बना सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए जी, आगे आगे चलते हैं। तो फर्दर जो है ना, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले ना हम बेसिक यूनिट्स, बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो हम मुख्तलिफ जो सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे फर्दर अपनी अगली क्लासेस में। तो उसमें कौन कौन सी जो मेन की टर्म्स आएंगी उनके बारे में ना हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्स के अंदर उसको। तो सबसे पहले है जी कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आइस, मेटल्स, डस्ट मूविंग अराउंड द सन। सूरज के गिर्द जो आइस के बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटल्स के हो सकते हैं या डस्ट के हो सकते हैं, जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, उनको हम कॉमेट्स बोलते हैं। बेसिकली थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं ये कॉमेट्स, जिसमें एक इनका सॉलिड सेंटर होता है और एक हेड होता है अराउंड सेंटर ऑफ द डस्ट, एंड द आइस लॉन्ग टेल होती है इनकी, इनको हम बोलते हैं कॉमेट्स।
उसके बाद एस्टेरॉइड्स एक टीम है जो हम स्टार लाइक हमें जो ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं उनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। कॉमेट्स विदाउट आइस उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। तो ये होते क्या हैं? स्मॉल स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स डेट इन्वॉल्व अराउंड डेट रिवॉल्व अराउंड द सन। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं सीरी। सीरी इज एन एस्टेरॉयड स्टार लाइक ऑब्जेक्ट। बेसिकली सीरी जो है ना एक ड्वार्फ प्लानट है। अब बात करें अगर हम तो प्लानट और ड्वार्फ प्लानट में क्या फर्क है? तो जो प्लैनेट होते हैं वो साइज में बहुत बिगर होते हैं, बहुत बहुत बड़े होते हैं, और जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो साइज में छोटे होने की वजह से इनको हम सियारचे बोलते हैं उर्दू में अगर हम बात करें तो। सीरीज इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके दरमियान मतलब कि जो मार्स एक हमारा एक सियारा है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और जुपिटर है उसके दरमियान में पाया जाने वाला एक सीरी जो है ना एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इट वाज द फर्स्ट एस्टेरॉयड डिस्कवर्ड ऑन 1 जनवरी 1908। ये वो पहला एस्टेरॉयड है जिसको डिस्कवर किया गया था 1 जनवरी 1801 के अंदर। मोस्ट आगे लिखता है कि मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के दरमियान जैसे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि मार्स और जुपिटर के दरमियान ज़्यादातर ये बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो मेटियोरॉइड्स की बात करते हैं। ये स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एस्टेरॉइड्स की कोलिजन की वजह से मतलब जब एस्टेरॉइड्स आपस में कोलाइड करते हैं टकराव करते हैं तो ये आयरनी ऑब्जेक्ट्स जो है ना बनते हैं। दीज आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन कॉमेट्स आर डिसइंटीग्रेटेड। और ये तब भी बनते हैं जब ऊपर हमने बात की ना कॉमेट्स क्या होते हैं आइस और मेटल्स और डस्ट पार्टिकल्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब वो कॉमेट्स भी आपस में डिसइंटीग्रेट करते हैं तो भी ये बनते हैं मेटियोरॉइड्स। व्हेन द इंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर बर्निंग डस्ट टू फ्रिक्शन मेटियोरॉइड्स। मतलब जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आग का एक शोला सा बनता है जिसको हम मेटियोराइट्स बोलते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि एक सियारा हम आसमान की तरफ देखें तो एक सियारा एक एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो आ रहा होता है और एकदम से आते आते ना एक शुआ होती है और बाद में आके ख़त्म हो जाती है। एक जलने वाला ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। क्या आप बता सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? या हम अपनी अगर हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात करें तो उनको हम क्या बोलते हैं? टूटा हुआ था ना। टूटा हुआ तारा। इसको एक और स्पेसिफिक हम उर्दू अदब में ना इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं टूटा हुआ तारा। तो उसको बोलते हैं मतलब वो होता तो है उनके डिसइंटीग्रेशन से कोलिजन से बनता है और जब अर्थ के एटमोसफियर में आता है तो एक जलता हुआ आता है और आते हुए बाद में ना वो ख़त्म हो जाता है फिर गायब हो जाता है नज़र नहीं आता है। बताएं जी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें एक शुआ की तरह रोशनी की तरह का एक ऑब्जेक्ट है जो
आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन जमीन पे गिरता नहीं है, कि एक रोशनी सी गिर रही होती है और बाद में आते आते रास्ते में ना खत्म हो जाती है अचानक से। उसको मेट्योरॉइड्स तो हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में एक बर्निंग फ्रिक्शन की वजह से एक बर्निंग ऑब्जेक्ट जो है ना जमीन की तरफ आ रहा होता है, उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं। तो उर्दू अदब में उसको हम क्या बोलते हैं, उसके उसके बारे में ना एक स्पेसिफिक नाम उसको दिया जाता है। सर शहाब, हाँ जी, उसको बोलते हैं शहाबे साकिब। सुना है कभी आप लोगों ने ये नाम? अगर आपने सुना है तो यस का आंसर दें, अगर नहीं सुना है तो बताएं कि आज आपको पता चल गया इसके बारे में कि ये वो क्या होता है। शहाबे साकिब उसको बोलते हैं जिसको हम आमतौर पर टूटा हुआ तारा भी बोलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे, उसके बाद आगे मेटियोराइड्स की हमने बात की, उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेब्यूला। नेबुला मीन्स क्लाउड्स, स्काई, आसमान के अंदर, या मतलब कि आसमान में देयर आर क्लाउड्स लाइक ऑब्जेक्ट्स कंपोज ऑफ गैसेस डस्ट विच आर क्लासिफाइड एज नेबुला। मतलब आसमान में बहुत सारे जो गैसियस ऑब्जेक्ट्स हैं और डस्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम नेब्यूला बोलते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिलेशन, दीज आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। सितारों का जो ग्रुप है आसमान के अंदर उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी एनी ऑफ सर्टेन ग्रुपिंग ऑफ स्टार डेट वर इमेजिन्ड एट लीस्ट बाई दोज हु नेम्ड देम टू फॉर्म कॉन्स्पिशियस कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएचर्स इन द स्काई। कॉन्स्टिलेशन आर यूजफुल इन असिस्टिंग एस्ट्रोनॉमर्स एंड नेविगेटर्स टू लोकेट सर्टेन स्टार्स। इसके बारे में कौन मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू देगा? ये भी बहुत ही आसान है, मतलब इसके बारे में ऑलरेडी जो है ना आपने इसके बारे में भी सुना हुआ है। हाँ जी, कॉन्स्टिलेशन मतलब कि वो सितारे जिनको हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एस्ट्रोनॉमर्स उनको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ सात सितारों का एक जुर्मेट है जो अभी भी हमें कभी कभी ना दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सात सितारों का एक चम्मच बना हुआ है, स्पून स्पून लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं यूएफओ। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स इज द टोटल ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट और हैज एग्जिस्टेड बिफोर। यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। टोटल अगर हम गैलेक्सीज की तादाद की बात करें तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 billions ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका क्या नाम है? जल्दी से अपना मैसेज छोड़ें जी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका क्या नाम है? सर अर्थ। ठीक है जी, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। अच्छा, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में पाई जाती है, उस ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को हम क्या नाम देते हैं? जो मिल्की वे गैलेक्सी है
जिस तरह से हमारा एक सोलर सिस्टम का एड्रेस है कि वो मिल्की वे के अंदर पाई जाती है, इसी तरह से मिल्की वे का भी एक एड्रेस है। मिल्की वे कहाँ पाई जाती है? क्लस्टर, एक क्लस्टर ऑफ सुपर गैलेक्सी, क्लस्टर। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, लेकिन बेसिकली वो पाई जाती है हमारे लोकल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अंदर पाई जाती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे लोकल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार की। स्टार इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ हॉट गैसेस दैट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली लाइट। बेसिकली ये क्या होती हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस इसमें पाई जाती हैं, जिनके कंटिन्यूअस रिएक्शन से क्या हो रहा होता है कि लाइट इमिट हो रही होती है, रेडिएशन इमिट हो रही होती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? किसी का कोई इस हवाले से, जो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इस हवाले से, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज में टाइप कर सकते। सर ये यूएफओ के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसकी समझ में नहीं है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मतलब कि एक कोई सा भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो, ये टर्म हम यूज करते हैं एलियंस के लिए, कि एलियंस भी वजूद में है, मतलब इस यूनिवर्स के अंदर एलियंस भी पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई रेडिएशन या कोई वेव्स हम रिसीव करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, कि जो हमें ये मालूमात देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर इंसानों के अलावा भी कोई मखलूक पाई जा रही है जो इंसानों की तरह ही काम करती है, खाते पीते भी हैं और इस तरह के सारे एक्टिविटीज वो कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम ये टर्म इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली हम ये टर्म जो है ना अर्थ के प्रस्पेक्टिव के लिहाज से यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? सर इस तरह तो एक 1940 या 1950 में ना एक अमेरिका में हुआ था इस तरह के एलियंस के बारे में कोई मुशाहिदात उन्होंने किए थे, ये इधर पाए जाते हैं यूनिवर्स में। जाहिर सी बात है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में तो पाया जाता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल है, चाहे वो एलियन है, चाहे वो गैस का पार्टिकल है, चाहे वो एटम है, वो यूनिवर्स का तो हिस्सा है ना। तो जो अनआइडेंटिफाइड, इसको इसलिए कहा गया है कि अभी तक ना इंसान ने उसके बारे में शनाख्त नहीं करवाया, इसलिए उसको उसने नाम दे दिया कि ये एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है। सर ये है मोस्टली तो अनआइडेंटिफाइड, लेकिन सर ये मूवीज वगैरह में फिर कैसे कहते हैं कि ये एलियन है? अगर इन्हें ये है ये अनआइडेंटिफाइड, तो ये फिर कैसे इसको रियल बना के पेश करते हैं कि ये इस तरह है, एलियंस हैं इधर? बेसिकली जो मूवीज होती है ना वो साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं। मूवीज में तो डायनासोर को भी एक बहुत बड़ा खूंखार और तबाहकुन जानवर के तौर पर दायर किया जाता है, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता अभी लोकल। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो उसमें वो डायनासोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी तरह से सर उसके फॉसिल अपने वगैरह मिले ना उनको, इस वजह से जी, रिपीट करें आपका क्वेश्चन। सर डायनासोर के तो फॉसिल वगैरह मिले थे ना उनको बागियात, तो उससे उन्होंने पता चला था कि ये इस तरह की शेप थी इसकी। बिल्कुल लेकिन ये एलियंस वगैरह का तो अगर कंसेप्ट नहीं है इधर, मतलब कि इन्हें नहीं पता कि ये कैसे होते हैं, तो फिर ये मूवीज वगैरह में बना लेते हैं ना ये कैसे होते हैं, और वैसे भी ये बताते हैं कि इनकी शेप ये होती है, ये काम कर सकते हैं रोबोटिक टाइप। हाँ बिल्कुल, बेसिकली ना ये साइंस फिक्शन मूवीज होती है ना, तो वो फिक्शन मूवीज में तो हम कुछ भी इमेजिन करके उसको डिजाइन करके उसका जो है ना आउटपुट हम शो कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब उसको एक खास शेप, इमेजिनरी एक शेप दी हुई है जिसकी वजह से हम मूवीज में देखते हैं कि वो एक खास शेप का होता है, जानवरों से ये फिर थोड़ा हटके उसकी ऐसे बिगड़ी बिगड़ी सी एक शक्ल होती है, उसको हम एलियन मतलब उसको वो एलियन शो करते हैं। रोबोटिक टाइप होंगे ना फिर? रोबोटिक टाइप भी हो सकते हैं, नहीं अगर अगर वो हाँ इंसानों की तरह की एक मखलूक है तो वो फिर रोबोटिक टाइप कैसे हो सकते हैं? इसके रोबोट तो एक कैरेक्टरिस्टिक मशीन तो है वही पाई जाती जिसको है। इंसान ने बनाया है, रोबोट एक मशीन है जिसको इंसान ने बनाया है।
एलियंस को उसमें किसने बनाया था? किसी को एलियंस एलियन एलियन ये कैसे ग्रुप। बन? बेसिकली जिस तरह से हम बात करते हैं ना, यूनिवर्स को क्रिएट करने वाली एक सुपर पावर है। आज एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि कायनात में जो भी चीज़ है उसको अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम उस लिहाज से बात करें, अमेरिका और अमेरिका मतलब यूके, यूएसए, जो भी ये साइंस फिक्शन मूवीज बनाते हैं, उनका तो मतलब रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो वो अपने लिहाज से मूवीज बनाते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका जो डाउट है वो इस हवाले से क्लियर हो गया होगा। उसके हवाले से फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो स्टार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मीटिंग का टाइम भी थोड़ा सा एंड होने वाला है, तो क्लास को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है हम कल 10:30 बजे वो इसी टाइम पे हम जो है ना स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो तब तक के लिए अगर इस हवाले से या सिलेबस के हवाले से आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं और पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, मिलते हैं कल इसी वक्त 10:30 बजे, और कल हम डिस्कस करेंगे ब्लैक होल के बारे में और लाइट ईयर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।